सभी को नमस्कार मित्रों, भटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अधीनस्थ न्यायालयों को हम पढ़ रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं विशेष उद्देश्य न्यायालय। यानी कुछ न्यायालय ऐसे होते हैं जो किसी पर्पज के लिए, कुछ विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं विशेष उद्देश्य न्यायालय। कुछ उद्देश्य रखा सरकार ने कि इस उद्देश्य को पूरा करना है, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ कोर्ट्स का, कुछ न्यायालयों का गठन किया जाता है, कुछ न्यायालयों की स्थापना की जाती है, उनको बोलते हैं विशेष उद्देश्य न्यायालय। और जो विशेष उद्देश्य न्यायालय होते हैं, ये अपने आप में अर्ध न्यायिक होते हैं। अर्ध न्यायिक का यहाँ पे आशय ये है कि ये न्यायालय नहीं होते वास्तव में, लेकिन न्यायालय जैसी पावर रखते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं है ये, और न ही जिला कोर्ट है, लेकिन फिर भी इनके पास कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि इनके पास न्यायालयों जैसी पावर है। अतः इसको हम क्या बोलेंगे, अर्ध न्यायिक कोर्ट्स या अर्ध न्यायिक बॉडी या अर्ध न्यायिक निकाय हम इसको कह सकते हैं। तो उसमें कौन कौन से न्यायालय पढ़ेंगे हम देखते हैं। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है, और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का, ठीक है। तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स, पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatnerias.com पर जा सकते हैं, और इसके ज़रिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहाँ नज़र आ रहा है, सी सेट 2021 का कोर्स नज़र आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नज़र आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं, और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे एक साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोज अभी इसके अंदर मौजूद हैं, और 2 या 3 वीडियोज ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं, तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी, थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोज तो आप लोग पूरी मानिए, देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली है। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ्स मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं, खास तौर पर पिछले 17 सालों के।
प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉयड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। इसमें हम पढ़ेंगे बाल एवं किशोर न्यायालय, दूसरा पढ़ेंगे हम इसमें कंज्यूमर कोर्ट्स यानी कि उपभोक्ता न्यायालय, तीसरा इसमें हम कोर्ट मार्शल से संबंधित जो न्यायालय होते हैं या सेना न्यायालय, और चौथा पढ़ेंगे हरित अधिकरण। इन चार बॉडीज के बारे में अपने को पढ़ना है, बाल एवं किशोर न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय, कोर्ट मार्शल से संबंधित जो न्यायालय है और हरित अधिकरण। और पहले हम शुरू करते हैं बाल एवं किशोर न्यायालय। बाल एवं किशोर न्यायालय में हम क्या पढ़ेंगे कि जो बालक होते हैं या फिर जो किशोर होते हैं, किशोरों का मतलब यहाँ पर है 18 वर्ष की आयु तक, क्योंकि उसके बाद व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है, प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है। तो बालकों की, बालक बेसिकली होते हैं 6 से लेकर 14 वर्ष तक, और 14 से 18 तक हम इनको किशोर कह सकते हैं। इनकी अपनी कुछ विशेष स्थितियाँ होती है, कुछ ऐसे शारीरिक और कुछ ऐसे मानसिक परिवर्तन इस दौरान होते हैं कि उनकी कुछ आवश्यकताएं होती है, उनकी कुछ विशेष परिस्थितियां होती है, उनमें कुछ विशेष प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उन सब को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने बाल एवं किशोर न्यायालय जैसा कॉन्सेप्ट लेके आई, यानी कि बालकों के अधिकारों का संरक्षण भी हो सके, जो बालकों में आकस्मिक जो परिवर्तन होते हैं बाल्यावस्था से जैसे किशोरावस्था में जाते हैं, तो बालकों में कुछ आश्चर्यजनक शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं, उनको किस तरीके से बैलेंस करना है, किस तरीके से उनको आगे लेके जाना है, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बाल एवं किशोर न्यायालय का कॉन्सेप्ट आया। ऐसे बहुत सारे हाई कोर्ट्स भी हैं जिन्होंने अपने हाई कोर्ट के अंतर्गत ही बाल एवं किशोर समितियाँ बना रखी है, और इन समितियों की अध्यक्षता उसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश ही करते हैं। हालांकि देखिए बाल एवं किशोर न्यायालय अलग से कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुछ एक हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने तरफ से ही पहल करते हुए इस संदर्भ में समितियां बना रखी है ताकि बालकों के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके और बालकों को न्याय मिल सके। अब हम पढ़ेंगे बाल एवं किशोर न्यायालय से जुड़े हुए प्रावधान क्या क्या हैं। देखिए क्या क्या प्रावधान हैं, प्रत्येक राज्य सरकार ये प्रयास करेगी, जो राज्य सरकारें हैं हम स्टेट लेवल की बात करते हैं, वो प्रयास करेगी कि प्रत्येक ज़िले में, या तो प्रत्येक ज़िले की बात हो जाए प्रत्येक ज़िले में, या फिर आवश्यकता अनुसार परिस्थिति अनुसार ऐसा भी हो सकता है कि दो या दो से अधिक ज़िलों में एक किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाए। किसका गठन किया जाए? किशोर न्याय बोर्ड। शब्दों को समझना जरा, किशोर न्याय बोर्ड प्रत्येक जिले में ही, प्रत्येक जिले में होना ही चाहिए, ये आवश्यक नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है कि दो या तीन या चार या पांच जिलों को मिलाकर उनमें एक किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जा सके, और ये भी हो सकता है कि सभी जिलों में किशोर न्याय बोर्ड का गठन हो सके। लेकिन कुछ भी हो, किशोर न्याय बोर्ड चाहे कितने ही हों, लेकिन प्रत्येक जिले का उससे संबंध जरूर होगा। अब मान लेते हैं कि किसी राज्य में 20 जिले हैं, तो 20 किशोर न्याय बोर्ड का गठन न करके अगर मान लीजिए वहाँ पर 5 किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है, तो भी इन 20 राज्यों का इससे संबंध जरूर होगा। हो सकता है कि पांच राज्यों को मिलाकर या 4-4 राज्यों को मिलाकर 5 किशोर न्याय बोर्ड का गठन कर दिया जाए। चाहे तो 20 के 20 किशोर न्याय बोर्ड हों, चाहे 4 हों, चाहे 5 हों, चाहे 10 हों, सभी राज्य इससे लाभान्वित जरूर होंगे, यानी कि सभी राज्यों का इनसे टच जरूर होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसा जिला भी है जिसका किशोर न्याय बोर्ड से संबंध नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, संबंध जरूर होगा। अब इस किशोर न्याय बोर्ड की संरचना क्या होगी, इसमें कम से कम 3 सदस्य होंगे। एक सदस्य तो ऐसा होगा
जो कि मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है। एक तो मनोवैज्ञानिक चाहिए हमें, ताकि वो बालक में होने वाले आकस्मिक परिवर्तनों को महसूस कर सके, उनकी आवश्यकताओं को महसूस कर सके, उनसे संबंधित विशेष परिस्थितियों को महसूस कर सके, और ताकि उसका उपचार किया जा सके। या तो मनोवैज्ञानिक हो, या उसको बाल कल्याण के बारे में कुछ विशेष नॉलेज हो, एक व्यक्ति ऐसा होगा। दो व्यक्ति होंगे जो कि सामाजिक कार्यकर्ता होने चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ता, और कम से कम इन तीनों को अपने क्षेत्र में 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कम से कम 7 वर्ष का उनको अनुभव है, वो 7 वर्ष से अधिक का अनुभव लिए बैठे हैं, तो ही उनको किशोर न्याय बोर्ड में नियुक्त किया जाएगा। और इसमें यह भी लिखा गया है कि सभी के सभी जेंट्स नहीं होंगे, कोशिश ये की जाएगी कि कम से कम एक महिला भी होनी चाहिए। अब प्रश्न आ सकता है, किशोर न्याय बोर्ड में कुल कितने सदस्य होते हैं, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों की योग्यता क्या होती है, कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो एक तो मनोवैज्ञानिक होगा, या फिर बाल कल्याण के बारे में विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होगा। लेकिन इसमें से अगर मनोवैज्ञानिक हो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मनोवैज्ञानिक को बाकी लोगों की अपेक्षा अधिक नॉलेज होता है बालक में होने वाले परिवर्तनों के बारे में। दो सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जिनको अपने क्षेत्र में बहुत अधिक नॉलेज है, कम से कम 7 वर्षों से वो इस कार्य में, इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और ये तीन होंगे, और इसमें से कम एक महिला होगी। महिला होने का मतलब चौथा मेंबर नहीं है, इन तीनों में से एक महिला होगी। यानी अगर सामाजिक कार्यकर्ता है तो एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता होगी, या फिर मनोवैज्ञानिक महिला हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तीनों में से कम एक महिला होनी चाहिए। अब किशोर न्याय बोर्ड ने करना क्या है, हमें ये देखना है किशोर न्याय बोर्ड करता क्या है। किशोर न्याय बोर्ड ये देखता है कि किशोरों ने, बालकों ने क्या अपराध किए हैं। अगर उन्होंने अपराध किए हैं उनको दंड नहीं दिया जाता, उनको माफ़ी देके भी छोड़ा जा सकता है। यानी कि किशोर न्याय बोर्ड का काम ये नहीं है कि बालकों को दंड दिया जाए, उसका काम होता है कि किशोरों को जो रास्ते से भटक चुके हैं, क्योंकि 16 से 18, 14 से 18 या 14 से 21 के लोगों की उम्र ऐसी होती है जिसमें बालक को किसी भी क्षेत्र में लेके जाना चाहें जा सकते हैं। उसको हम डॉक्टर बना सकते हैं, वकील बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं, चाहे तो उसको अपराधी भी बना सकते हैं। जैसी भी उसको गाइडलाइन मिलेगी वो उसी क्षेत्र में जाएगा। तो अगर मान लेते हैं किशोर रास्ता भटक गए हैं, वो अपराधी प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं, तो ये नहीं है कि उनकी प्रकृति ही अपराधी है, उनको दोबारा से यूटर्न ला के मुख्य धारा में लाया जा सकता है, इसलिए उनको दंड देने की आवश्यकता नहीं है। अगर दंड देंगे तो उनके और अधिक अपराधी बनने का व्यय है, तो उनको माफ़ी दी जा सकती है, उनको सामाजिक कार्यों में सहयोग देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। या फिर अगर मान लेते बहुत ही गंभीर किस्म का अपराध किया गया है तो उनको सुधार गृहों में रखा जाएगा, जेल में कभी भी नहीं रखा जाएगा, किशोरों को जेल में नहीं रखा जाएगा। हाँ, अगर बहुत ही गंभीर किस्म का अपराध उन्होंने कर दिया है तो उनको किशोर सुधार गृह में रखा जाएगा, जहां पर उनको शिक्षा इस तरीके से परिचित करवाया जाएगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही नहीं है, सामाजिक नहीं है, असामाजिक है, आप ऐसे काम करने चाहिए। यानी किसी भी तरीके से उनको समाज की मुख्यधारा में दोबारा से लाया जाएगा। किशोर न्याय बोर्ड के पास जो भी मामले आते हैं उनको कभी भी सार्वजनिक नहीं किया जाता, उनको गोपनीय रखा जाता है। कौन सा किशोर है, उसने क्या अपराध किया है, कैसा अपराध किया है, उसको क्या दंड दिया गया है, क्या कैसा किया गया है, टोटल चीज़ें गोपनीय रखी जाती है। अगर बाई चांस किसी भी तरीके से ये खबर मीडिया में आ जाती है तो इस संदर्भ में जो भी अधिकारी जिम्मेदार होता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जा सकता है। बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत किशोरों से संबंधित कुछ चेंजेस किए गए हैं। इसमें ये कहा गया है इस अधिनियम में कि किशोर और बालक दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। बालक होते हैं 6 से 14 तक, और 14 से लेकर 18 या 21 तक क्या होते हैं, किशोर होते हैं। और हम अब देखिए, 18 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो वो अपराधी माना जाना चाहिए। इसमें ये कहा गया कि अगर 16 से लेकर 18 वर्ष तक का या 18 से अधिक, तो वो वयस्क है ही, उस पर तो सभी धाराएं वैसी लागू होती है जो नॉर्मली लोगों पे होती है। लेकिन 16 से 18 तक अगर कोई किशोर भी अपराध करता है, अगर वो गंभीर किस्म का अपराध करता है, तो उस पर भी सारी धाराएं आरोपित की जाएगी जो कि एक वयस्क पर की जाती है। ये चेंजेस किया गया है बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015। और इसमें यह भी कहा गया कि किशोर की बजाय यहां पे शब्द लिखना चाहिए बच्चा या बच्चे,
यानी बच्चे की बात कर रहे हैं। किशोर अगर अपराध करते हैं, किशोरों में इतना मानसिक विकास हो चुका होता है कि उनको अच्छे बुरे की, नैतिक अनैतिक की इतनी सूझ होती है। लेकिन हमें बाल एवं किशोर न्यायालय में किसका संरक्षण करना है? बालकों का करना है, बच्चों का करना है। इसलिए किशोर शब्द की बजाय हमें यहाँ पे किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए? बच्चे शब्द का। और किशोरों में जो 16 से 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, जो किशोर होते हैं, अगर वो कोई जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, जैसे कि किसी आम वयस्क के खिलाफ लिया जाएगा। अगला है उपभोक्ता न्यायालय। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर कोर्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो उपभोक्ताओं से संबंधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के कुछ एक प्रावधानों की बात भी करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि उपभोक्ता दिवस या उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। अगर हम उपभोक्ता दिवस की बात करें तो उपभोक्ता दिवस यहाँ पर दो प्रकार के होंगे, एक होगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और दूसरा होगा अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो होता है वो होता है 15 मार्च को। प्रश्न बन सकता है, हमें अगर उपभोक्ता न्यायालय पढ़ना है तो ये जरूरी नहीं है कि वो उपभोक्ता न्यायालय से प्रश्न पूछेगा, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है मित्रों, वो मनाया जाता है 24 दिसंबर को, क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया था, लागू किया गया था, इस कारण से 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। अब हम देखते हैं उपभोक्ता न्यायालय क्या होता है। लेकिन उपभोक्ता न्यायालय को देखने से पहले हम देखेंगे कि उपभोक्ता न्यायालय में जाएंगे क्यों, इसका मतलब हमें पहले देखना होगा उनके अधिकार क्या हैं, और अगर उनके अधिकार हैं उनका उल्लंघन होता है तभी तो कोर्ट जाएंगे। तो पहले हम देखेंगे कि उपभोक्ताओं के अधिकार क्या हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं के कुछ अधिकार सुनिश्चित किए गए थे। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना और 15 अप्रैल 1987 को इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। उस समय हालांकि जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं हुआ था, लेकिन आज के टाइम ये जो अधिनियम है जम्मू कश्मीर में, या यूँ कहें कि पूरे भारत पर लागू है, पूरे भारत में लागू है। अब देखिए, पहला है सुरक्षा का अधिकार। यानी प्रत्येक उपभोक्ता को ये अधिकार है कि सबसे पहले कि वो स्वयं सेफ हो। अगर किसी भी तरीके से उसके द्वारा उपभोग की गई कोई भी सामग्री है, मान लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स सामान उसने ले लिया है, उसे किसी भी तरीके की उसको नुकसान होता है तो उसका अधिकार है, पहला अधिकार सुरक्षा का अधिकार। दूसरा है चुनाव या पसंद। जैसे हम बाजार में जाते हैं, हम ट्राई करते हैं ना कि भाई ये बहुत इतने रुपये में चीज़ दे रहा है, आप इतने में दे रहे हैं, या फिर अगर मान लेते हैं कई सारे ब्रांड हैं तो हमें उसमें से कौन सा चूज़ करना है, हम फ़ोन ले लेंगे वीवो अपो सैमसंग MI बहुत सारे हैं, लेकिन हमें कौन सा चुनना है, ये हमें अधिकार है। यानी कि दुकानदार हम पर किसी तरीके का प्रेशर नहीं बना सकता कि आपको एक ही फ़ोन दिखाएंगे और आपको लेके जाना है। हम वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं और उनमें से जो हमें पसंद आएगा, उसकी कीमत हमें पसंद आएगी, उसके फीचर्स हमें पसंद आएंगे, हम उसको मतलब ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो चुनाव या पसंद करने का अधिकार है। सुनवाई का अधिकार है। अगर मान लेते हैं हमने किसी चीज़ को ख़रीदा है और बाद में उसमें किसी प्रकार की दिक्कत आ गई है तो हम कोर्ट जा सकते हैं, बाकायदा कोर्ट हमारी बात को सुनेगा। लेकिन हम कौन से कोर्ट में जाएंगे वो हम बाद में बात करते हैं। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। उपभोक्ता को ये अधिकार है कि वो पूछ सके कि भाई ये जो आपने सामान बेच रहे हो किस कंपनी का बनाया गया है, क्या प्रोडक्ट है, इसमें क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या चीज़ें हैं, इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या गारंटी है, सब कुछ पूछ सकता है। प्रतिफल का अधिकार। अगर उपभोक्ता कोई चीज़ लेके आया है और उसमें किसी भी तरीके की खराबी हो गई है तो उसको ये अधिकार है कि उस खराब हुई चीज़ को या तो क्लेम किया जाए या उसके एवज में जो भी उसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। सूचना पाने का अधिकार सेम है, यानी कि क्या चीज़ हम खरीद रहे हैं, किस क्वालिटी की है, किस कंपनी की है, कहाँ पे प्रोडक्ट हो रही है, वो सब सूचना पाने का हमें अधिकार है। और लास्ट है उपचार का अधिकार। तो ये लगभग 6-7 अधिकार हैं जो सभी उपभोक्ताओं को दिए जा रहे हैं भारत में। सुरक्षा का अधिकार, चुनाव का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, प्रतिफल का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार और उपचार का अधिकार। और मान लेते हैं इन अधिकारों का किसी भी तरीके से कोई दुकानदार, कोई कंपनी अगर उल्लंघन करती है तब व्यक्ति के पास, उपभोक्ता के पास ये अधिकार है कि वो उपभोक्ता न्यायालय जाए, उस कंपनी के खिलाफ, उस दुकानदार के खिलाफ, वो भी जो भी एजेंसी है उसके खिलाफ वो एक्शन ले सकता है।
तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे अधिकार क्या हैं, और जो हमारे अधिकार हैं अगर उनका उल्लंघन होता है तब हम कोर्ट जा सकते हैं। हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, दुकानदार उसकी जितने भी जो MRP है उससे अधिक हमसे कीमत वसूल कर रहा है, तो हमारे अधिकार का उल्लंघन हो गया, हम कोर्ट जा सकते हैं। तो अगर इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट जाएंगे। अब देखिए कोर्ट कौन से जाएंगे, हम या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। और चूंकि उपभोक्ता न्यायालय में जो भी केस आते हैं वो सिविल मामले होते हैं, अब मान लेते हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट गए सिविल मामले के अंतर्गत, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास तो ऑलरेडी ही बहुत सारे मामले पेंडिंग पड़े हैं, और अगर उपभोक्ता न्यायालय यानी कि उपभोक्ताओं से संबंधित अगर मामले भी वहाँ पर जाने लगे तो वर्डन बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए आवश्यकता महसूस हुई कि उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए अलग से ही एक न्यायालय बना दिया जाए। तो अलग से न्यायालय बना दिया, उपभोक्ता न्यायालय, यानी वहाँ पर केवल और केवल उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कंज्यूमर कोर्ट्स का ये कॉन्सेप्ट धरातल पर लागू। अब जब हम कंज्यूमर कोर्ट की बात करते हैं तो दो तीन बातें हमारे सामने आती है कि कंज्यूमर है कौन आखिर, उपभोक्ता कौन है, या प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है उपभोक्ता कौन नहीं है। देखिए बाजार से हम जो भी सामान खरीदते हैं, जब किसी भी प्रकार का सामान है, आजकल तो अगर हम ऑनलाइन भी कुछ खरीदते हैं, ऑनलाइन भी कोई सेवा भी प्राप्त करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो हम कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। हम उपभोक्ता हैं लेकिन उपभोक्ता कौन नहीं है। देखिए अगर किसी व्यक्ति ने किसी वस्तु को आगे सेल करने के लिए खरीदा है या उसका बिजनेस करने के लिए, उससे कुछ उत्पाद करने के लिए खरीदा है तो वो उपभोक्ता नहीं है। मान लेते मैंने कुछ चीज़ खरीदी बाजार से और अपने शॉप में रख के उसको आगे बेच रहा हूँ तो मैं उपभोक्ता नहीं हूँ, उसमें मैं उपभोक्ता नहीं होऊंगा। लेकिन अगर मैंने बाजार से कोई चीज़ खरीदी और उस चीज़ से मैं प्रोडक्ट पैदा कर रहा हूँ और उस प्रोडक्ट को आगे बेच रहा हूँ तब मैं उपभोक्ता होऊंगा। मान लेते हैं कि मैंने सिलाई मशीन खरीदी बाजार से और सिलाई मशीन से मैंने अपने टेलर की दुकान चलाई, मैं लोगों के कपड़े सिलाई कर रहा हूँ और मशीन में खराबी आ रही है, तो यहाँ पर मैं उपभोक्ता हूँ क्योंकि मैंने सिलाई मशीन से अपना बिजनेस चलाया है। अगर मैं सिलाई मशीन लाकर उसी सिलाई मशीन को आगे बेचूं तब मैं उपभोक्ता नहीं होऊंगा, तब मैं कंज्यूमर नहीं होऊंगा, तब मैं कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकता। तो उपभोक्ता न्यायालय का कॉन्सेप्ट इस तरीके से हुआ। लेकिन वर्तमान में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है उसको संशोधित करके उसको बना दिया गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, और उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड कर दी है। जैसे 1986 में ऑनलाइन शॉपिंग का तो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, और वर्तमान में अगर हम कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन खाना मंगाते हैं, ऑनलाइन किसी प्रकार की कोई चीज़ मंगाते हैं, या ऑनलाइन हम किसी सेवा का उपभोग कर रहे हैं और उसमें अगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। और कंज्यूमर कोर्ट का जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय है, जिला स्तर पर है, राज्य स्तर पर है और नेशनल यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर है। देखिए तीन प्रकार के आयोग इस संदर्भ में काम कर रहे हैं उपभोक्ता न्यायालय के संदर्भ में। एक होता है राष्ट्रीय आयोग, हम यहाँ पे तीनों की तुलना भी कर लेते हैं, राष्ट्रीय आयोग। एक होता है राज्य आयोग और एक होता है जिला आयोग, यानी कि त्रिस्तरीय संरचना है जिला आयोग। राष्ट्रीय आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या तो वर्तमान में है या फिर रह चुका है ऐसा कोई व्यक्ति होगा, यानी कि जो उपभोक्ताओं से संबंधित जो नेशनल कमीशन है उसका जो अध्यक्ष होगा वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या तो वर्तमान में है या फिर रह चुका है। अब राज्य आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, हाई कोर्ट का न्यायाधीश या तो है या फिर रह चुका है। इसी तरीके से जिला कोर्ट का अध्यक्ष कौन होगा, इसका होगा जिला कोर्ट और सेशन कोर्ट का न्यायाधीश या तो है या फिर रह चुका है। बात समझ में आ रही है, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग, जिला आयोग, ये त्रिस्तरीय संरचना है। यानी कि कुछ एक मामले ऐसे होते हैं उपभोक्ताओं के जिसकी सुनवाई जिला आयोग करेगा, लेकिन कुछ बड़े मामले होते हैं राज्य आयोग, उससे बड़े मामले होते हैं तो राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। राज्य आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक, और जिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अब इसमें मामले कौन से आते हैं, 1 करोड़ तक के अगर पूंजी का कोई विवाद है, 1 करोड़ तक के उपभोक्ताओं का कोई मामला है तो उस मामले की सुनवाई करेगा जिला आयोग।
एक करोड़ से 10 करोड़ तक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है उसकी सुनवाई करेगा राज्य आयोग, और 10 करोड़ से अधिक का कोई विवाद है तो उसकी सुनवाई करेगा राष्ट्रीय आयोग। बात समझ में आ गई। पहले ये पूंजी बहुत कम थी, 10 लाख थी, एक 10 लाख से पहले पूंजी बहुत कम थी। जिला आयोग में 20 लाख तक की पूंजी का विवाद का निपटारा करता था जिला आयोग। 20 लाख से 1 करोड़ तक के जो वाद आते थे वो राज्य आयोग के अंडर में आते थे, और 1 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय आयोग के अंडर में। लेकिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा इस जो कीमत की हम बात कर रहे हैं उसको बढ़ा दिया गया है। जिला आयोग में 20 लाख से बढ़ाकर ये पूंजी कितनी कर दी, 1 करोड़। यानी जिला आयोग अब 1 करोड़ तक के जो विवाद होते हैं उनकी सुनवाई कर सकेगा। राज्य आयोग के पास पहले था 20 लाख से 1 करोड़ तक के वाद, लेकिन अब क्या है, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के जो वाद हैं, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की जो पूंजी है, संपत्ति है, उससे संबंधित अगर कोई उपभोक्ता वाद है तो उसकी सुनवाई करेगा राज्य आयोग, और 10 करोड़ से अधिक संपत्ति का कोई विवाद है तो उसकी सुनवाई करेगा राष्ट्रीय आयोग। ये प्रावधान किए गए हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बाद। सैन्य अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए, सैन्य अपराधों के मामलों के निपटारों के लिए भी अपना एक अलग से कोर्ट है जिसको बोलते हैं सेना न्यायालय या फिर कोर्ट मार्शल। इन न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं वो सेना के ही सर्वोच्च अधिकारी ही इनके न्यायाधीश होते हैं, और इन न्यायालयों का मुख्य उद्देश्य ये है कि सेना को प्रशासकीय और अन्य प्रकार के हस्तक्षेप से दूर रखकर एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के रूप में, कर्तव्यनिष्ठ सैनिक के रूप में उससे उसके उत्तरदायित्व का निर्वहन करवाया जा सके। सीधी सी बात है कि किसी भी तरीके के हस्तक्षेप से सेना को दूर रखा जा सके, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। सेना न्यायालय या कोर्ट मार्शल, और इनके जो न्यायाधीश होते हैं वो सर्वोच्च सैन्य अधिकारी ही होते हैं। सेना न्यायालय या सैन्य न्यायालयों की जो भी व्यवस्था काम करती है उसके पीछे 3 एक्ट हैं, थल सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 के तहत सेना न्यायालय या फिर कोर्ट मार्शल का कॉन्सेप्ट काम करता है। अब सेना न्यायालय से संबंधित कुछ एक विशेष फैक्ट हैं। अगर किसी सैनिक ने या सैनिक द्वारा किसी गैर सैनिक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, या फिर मान लेते हैं कि बलात्कार या रेप से संबंधित कोई मामला है, अगर किसी सैनिक द्वारा किसी गैर सैनिक की मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है, या फिर किसी सैनिक पर रेप का केस है, इन दो मामलों को छोड़कर बाकी सैनिकों से संबंधित जितने भी विवाद हैं उनकी सुनवाई केवल कोर्ट मार्शल या सेना न्यायालय ही करेगा। प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन से मामले सेना न्यायालय के अधीन नहीं आते, तो दो मामले हैं, एक तो गैर सैनिक की किसी तरीके से हत्या कर दी गई है और दूसरा बलात्कार का अगर केस है, तो ये दो मामलों की सुनवाई आम कोर्ट ही करते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही करते हैं, बाकी जितने भी प्रकार के सैन्य जो मामले हैं उनकी सुनवाई सेना न्यायालय ही करता है। और सेना न्यायालयों का जो निर्णय दे दिया गया है उसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। हालांकि सिद्धांत ये कहता है कि अगर सेना न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया है तो उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील नहीं की जा सकती, लेकिन अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत हम जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे तब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उस व्यक्ति उस संस्था के खिलाफ रिट जारी कर सकता है। वैसे किसी तरीके से उस मामले को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलाया जा सकता, लेकिन मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर उसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है सेना न्यायालयों के बारे में, मैं थोड़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सेना न्यायालय जिसका मुख्य काम क्या होता है कि सेना को बाहरी हस्तक्षेप से दूर रखकर व्यवस्था को बनाए रखा जाए, जो सेना से संबंधित जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वे ही सेना न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। सैनिक द्वारा अगर किसी गैर सैनिक की हत्या कर दी गई है या फिर अगर कोई बलात्कार का केस है, इन दो मामलों को छोड़ दो, बाकी सैनिक से संबंधित जितने भी मामले होंगे उसकी सुनवाई सेना न्यायालय ही करेगा।
लेकिन ये दो मामले हैं जो किसी आम कोर्ट में चलाए जा सकते हैं। सेना न्यायालय के निर्णय के खिलाफ इसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, परंतु अगर 32 आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकारों का उल्लंघन होना बताकर अगर इसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उस संदर्भ में रिट जारी कर सकते हैं, याचिका जारी कर सकते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नया सिद्धांत भी बना दिया है कि अगर सेना न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया है उसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसी संस्था बना दी है, एक ऐसी संस्था बना दी है मित्रों जिसमें सेना न्यायालय के किसी भी निर्णय को चैलेंज कर सकते हैं, जिसका नाम है सशस्त्र सेना अधिकरण। सेना न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ अगर कहीं पर अपील करनी है तो एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई संस्था, एक नई बॉडी बनाई है केंद्र सरकार ने, सशस्त्र सेना अधिकरण, आर्मेड फोर्स ट्रिब्यूनल, और जिसका जो मुख्यालय है मित्रों कहां पर है, दिल्ली में। यानी अब हम सेना न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने के बजाय कहां पर जा सकते हैं, सशस्त्र सेना अधिकरण, और जिसका मुख्यालय कहां पर रखा गया है, दिल्ली में। तो इसको इसके साथ ही मित्रों आज की जो अपने विशेष न्यायालयों की या विशेष उद्देश्य न्यायालयों की बात कर रहे थे, ये कॉन्सेप्ट यहीं पे पूरा होता है। हमने तीन विशेष उद्देश्य न्यायालयों के बारे में बात कर ली है। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।